वेणु जी, फिर से आनंद को एक बार आपने फिल्म में रखा, इतना विश्वास क्यों इस सिंगम पर? जी ऐसा है कि जब मैं फिल्म कर रहा था अपनी, इसके पहले ठीक पहले हम लोग लव एक्सप्रेस फिल्म कर में हम लोग एक साथ जुड़े, बतौर एक्टर वो थे और मैं डायरेक्टर था, तो हमारी ट्यूनिंग और हमारी केमिस्ट्री ऐसी जमी कि मतलब मैं एक बार नहीं, मैं बार बार चाहूँगा इनके साथ काम करना। बतौर एक्टर ये बहुत डाउन टू अर्थ हैं और मेरी जो दिल की बात है, जो मैं अंदर से सोचता हूँ, एक डायरेक्टर कोई भी क्रिएटिव व्यक्ति जो है अपने करेक्टर को जैसा डिजाइन करके रखता है तो वो चाहता है कि वो सामने वाला जो है वो वैसा ही करे। और मैं एक आपको तो पता है कि मैं एक एक्टर भी रहा हूँ, रंगमंच से रहा हूँ, तो मैं एक हर किरदार को मैं जीना चाहता हूँ, तो मैं खुद को देखता हूँ तो वो मुझे इतना समझते हैं आनंद जी कि वो मुझे जिंदा करते हैं किरदार में, तो मुझे मज़ा आता है। और यही रीज़न है कि हम लोग फिर से एक बार श्रीमान सैया जी में एक साथ जुड़े हैं। और काजल जी के साथ तो मैं पहली बार कर रहा हूँ भाई, बहुत दिन से चाहता था कि इनके साथ काम करो और ये मौका मिला है, तो मैं हम चाहेंगे कि एक बहुत ही बेहतरीन फिल्म आप लोगों के बीच लेकर आए। और ये फिल्म जो है, जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा होगा, श्रीमान सैया जी, मतलब जो सैया तो हैं ही लेकिन उनके साथ श्रीमान भी लगा हुआ है, तो ये जो सैया हैं वो कैसे सैया हैं और इनकी सैया की जो सजनियाँ हैं वो किस तरह की सजनियाँ हैं, वो आपको फिल्म में बहुत ही रोचक ढंग से मैं दिखाने वाला हूँ, तो आप देखेंगे बहुत ही मजा आएगा आपको। काजल, पीछे जो पोस्टर मुझे भेजा गया जो फिल्म का, उसमें चश्मा लगा हुआ है आंखों पर काला और आनंद जी को खींच के आप ले जा रहे हो, क्या फिल्म में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिलेगा? जी जी हाँ, यस, ये हमने स्पेशली फोटोशूट किया है बिकॉज हमारी स्टोरी कुछ इसी तरह की है, कुछ इंटरेस्टिंग है, सो इस वजह से, एंड यस आप सबको यही कुछ दिखने मिलेगा मजा। आनंद जी।